सानिया मिर्जा विवाद पर केंद्र ने किया रुख साफ। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सानिया मिर्जा को देश की शान बताते हुए कहा, उनके नाम पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही तेलंगाना राज्य इकाइयों के नेताओं ने सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का किया विरोध। टीआरएस सांसद के कविता ने कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का फैसला सोच समझ कर लिया गया है और सभी दलों को इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस ने सानिया मिर्जा विवाद पर कहा कि सानिया मिर्जा एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं और इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए सानिया मिर्जा ने कहा कि वे भारतीय हैं और हमेशा भारतीय रहेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस विवाद से बहुत दुख पहुंचा है। मेंढक जिले में मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रेन ने स्कूल बस को मारी टक्कर। मसाईपेट गांव के पास हुए इस हादसे में बस के ड्राइवर और 12 छात्रों के मारे जाने की खबर। इस दुर्घटना में 16 लोग गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा सरकार रेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के काम को प्राथमिकता के साथ ले रही है। कैबिनेट ने एफसीआई गोदाम से 1 करोड़ टन गेहूं खुले बाजार में बेचने को दी मंजूरी। बीमा क्षेत्र में भी 49% एफडीआई का प्रस्ताव पारित। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में बताया कि इराक से 4000 भारतीयों की हुई सुरक्षित वापसी। मोसुल में बंदी 41 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किए जा रहे हैं हर संभव प्रयास। शेयर बाजार आज हरे निशान के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 125 अंक की बढ़त के साथ 26272 पर बंद हुआ। निफ्टी 35 अंकों के उछाल के साथ 7831 पर बंद हुआ। भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के गजा प्रस्ताव का किया समर्थन। अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ दिया मत, यूरोपीय देशों ने नहीं लिया मतदान में हिस्सा। हमास के नेता खालिद मशाल ने कहा कि जब तक इसराइल गजा पट्टी पर से आर्थिक नाकेबंदी नहीं हटा लेता तब तक संघर्ष विराम नहीं हो सकता। मशाल ने मिस्र के साथ लगने वाली रफा सीमा को खोलने और फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की शर्त भी रखी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गजा में दवाएं, तेल और अन्य सामानों की आपूर्ति करने की अपील। ताइवान में विमान हादसे में करीब 50 लोगों की मौत। आंधी तूफान के बीच ताइवान के एक छोटे से द्वीप के एयरपोर्ट पर विमान को उतारने की कोशिश के दौरान हुई दुर्घटना। विमान के एयरपोर्ट के बाहर क्रैश होने से कुछ भवनों और वाहनों को भी पहुंचा नुकसान। नाइजीरिया के कदुना शहर में पूर्व राज्य प्रमुख को निशाना बनाकर किए गए 2 लगातार हमलों में 42 लोगों की मौत हो गई। माना जा रहा है यह हमला बोको हराम आतंकवादियों ने किया।